think you're stupendo, fantabulous, phantasmagorically magical. इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता. चुम्मेश्वरी. इंडिया बेस्ट डांसर का आज सेकेंड दिन का दोस्तों ऑडिशन टेलीकास्ट कर दिया गया, जिस दौरान की कुल 8 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया गया है और ये सभी कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक लाजवाब थे, जिन्होंने कि अपने खूबसूरत परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीता है. जहां की पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सुष्मिता आई थी दोस्तों, जिन्होंने कि अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से सबों का दिल जीता है और उनका सिलेक्शन किया गया. मौका और चौका के दौरान में उन्होंने मौके को सेलेक्ट किया है, साथ ही साथ वो मेगा ऑडिशन के लिए भी सेलेक्ट हो गई हैं. दूसरे कंटेस्टेंट अर्जुन चौहान बेहद ही मजाकिया किस्म के इंसान थे दोस्तों, जिन्होंने की शानदार परफॉर्मेंस और बहुत ही यूनिक सा परफॉर्मेंस करके दिखाया और इनकी इस जबरदस्त डांस एक्ट को देखकर हर कोई एक्साइटेड होता हुआ नजर आया है और इन्हें भी सेलेक्ट किया गया. मौका और चौका के बीच में इन्होंने मौके को सेलेक्ट किया है और मेगा ऑडिशन के लिए अपना नाम सेलेक्ट करवा लिया है. तीसरे कंटेस्टेंट ईशानी, जिन्होंने की अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से सबों का दिल जीता है. बेहतरीन इनकी ये परफॉर्मेंस थी दोस्तों, जिसे देखने के बाद में हमारे तीनों जजेस ने इनकी जम के तारीफें की हैं. वही इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया और मौका और चौका के दौरान में इन्होंने भी मौका को ही सेलेक्ट किया है. तो वहीं इनके बॉयफ्रेंड भी आए थे दोस्तों, जिनका की नाम गंदेश्वरी मिस्त्री था और उन्होंने भी अपनी लाजवाब बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस करके सबों का दिल जीत लिया है और उनका भी सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने की मौका और चौका के दौरान में मौके को सेलेक्ट किया और मेगा ऑडिशन में अपना नाम दर्ज करवाया है. पांचवे कंटेस्टेंट हर्ष केसरी, जो कि आईबीटी 3 सीजन में भी आए थे और समर्पण लामा से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था. इन दोनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला था, जहां की इस बार उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबों को इम्प्रेस किया है और उनका सिलेक्शन तो हो चुका था, लेकिन उन्होंने चौकी को सेलेक्ट किया है और समर्पण के साथ में अपनी जबरदस्त फाइट देने का उन्होंने नाम रखा था. और इसके बाद में इन दोनों के बीच में बेहद ही टफ और कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, जिसके बाद कि इनका सिलेक्शन कर लिया गया. जी हाँ दोस्तों, टॉप 12 में जाने वाले हर्ष केसरी दूसरे कंटेस्टेंट बन चुके हैं जो कि सीधा टॉप 12 में जाने वाले हैं. तो वहीं अगले कंटेस्टेंट आकांक्षा मिश्रा, जो कि यूपी से है दोस्तों, और उन्होंने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके सबों का दिल जीता है. बेहतरीन आउटस्टैंडिंग इनकी डांस परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद इनका सिलेक्शन तो किया गया और इन्होंने भी मौका और चौका के बीच में चौकी को सेलेक्ट किया था, जहां की इनका कंपटीशन बूगी एलएलबी के साथ में देखने को मिला है. और इन दोनों के बीच में जबरदस्त टफ कंपटीशन हुआ है, जिसके बाद की इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया और ये तीसरे कंटेस्टेंट बन चुकी हैं जो कि सीधा टॉप 12 में जाने वाली हैं. तो वहीं अगले और आखिरी कंटेस्टेंट देव ज्योति, जो कि ओडिशा से आए हुए थे दोस्तों और ये कोरियोग्राफर भी हैं. बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस और जिस तरह का जबरदस्त उनका एनर्जी लेवल था, उसे देखते हुए सभी के सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और इनका भी सिलेक्शन कर लिया जाता है और ये मौके और चौके के बीच में मौके को सेलेक्ट करते हैं और मेगा ऑडिशन में अपना नाम दर्ज करवाते हैं. तो इस तरीके से आज ये कुल 8 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन हुआ है. तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज सेलेक्ट किए गए इन सभी कंटेस्टेंट में से आपको किनका डांस परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा है, जिसके परफॉर्मेंस के कि आप दीवाने बन चुके हैं. अपनी राय जरूर दीजिएगा. उम्मीद करूंगा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें कि आपने इन सभी बातों को जाना है. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 4 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण.